नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना के रूप से आतंकित है, तो भारत ने कोरोना के भयंकर माने जाने रूप को भी पहचान लिया है। उसे सफलतापूर्वक आइसोलेट कर लिया गया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। बता दें, ICMR ने बताया कि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। झारखंड ने 6 जिलों में पूरा किया टीकाकरण का ड्राई रन। झारखंड की राजधानी रांची समेत 6 जिलों में कोरोना वायरस के टीकाकरण ड्राई रन का आयोजन किया गया, जिसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पाकुड़, चतरा और सिमडेगा के 13 टीकाकरण केंद्रों पर ट्रायल रन किया गया। बता दें, ट्रायल रन के लिए कुल 325 हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया था। ड्राई रन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्र स्थल की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, लॉजिस्टिक की उपलब्धता, कोल्ड चेन सिस्टम की कार्यक्षमता और कोविन सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका को ले झारखंड में जारी हुआ अलर्ट, DC को भेजी एडवाइजरी। देश के कुछ राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, पशुपालन विभाग ने राज्य के सभी DC को इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी भेज दी है और इस संदर्भ में तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा है। तयशुदा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी पक्षी की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर तत्काल इसकी सूचना पशुधन सेवाएं विभाग और अन्य अधिकारियों को दी जाए। 10वीं-12वीं परीक्षा 20 मार्च के बाद। जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। बता दें, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म सबमिट करने व चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2021 है। वहीं विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 23 से 30 जनवरी 2021 तक जमा किया जा सकता है। बता दें कि काउंसिल द्वारा सभी स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा फॉर्म सबमिट करने के लिए वर्ष 2019-21 के रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराए गए यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2021 के तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद है कि परीक्षाएँ 20 मार्च 2021 के बाद प्रारंभ हो सकती है। इसकी निश्चित तिथियों की घोषणा जनवरी 2021 के अंत तक की जाने की संभावना है। 6 से 11वीं कक्षा खोलने की मांग। धनबाद जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अब 6 से 11वीं कक्षा खोलने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव सहित तमाम अधिकारियों को पत्र भी लिख डाला है। एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण दुबे ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण 10 महीने से स्कूल बंद है। बच्चों का वार्षिक परीक्षा आने को है, मात्र 2 माह का समय बचा हुआ है। मात्र 10% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल हैं। अवकाश का रोस्टर तैयार कर सूचना पट पर चिपकाए रांची SSP। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्णय के बाद रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा ने 1 जनवरी से पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने जिले के सभी थानेदारों को नोटिफिकेशन जारी कर साप्ताहिक अवकाश को लेकर रोस्टर बनाने के लिए कहा है। यही नहीं, रोस्टर को सूचना पट पर चिपकाने का निर्देश दिया है ताकि किसी को कोई दुविधा न रहे। SSP ने थानेदार को निर्देश दिया है कि अवकाश का रोस्टर 7 दिनों के अंदर तैयार कर ले और कर्मियों को अवकाश देना सुनिश्चित करे। हालांकि यह अभी कहा गया है कि पुलिस को सप्ताह में 1 दिन व्यक्तिगत कार्य निपटाने के लिए छुट्टी दिया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुख्यालय छोड़कर कहीं चले जाएं। अवकाश के दिन भी पुलिसकर्मी को अपने मुख्यालय में ही रहना होगा ताकि किसी आपात स्थिति में उन्हें काम पर बुलाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की बात से चिकित्सकों के दिल में चोट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नीति मदन कुलकर्णी के उस बयान का पुरजोर विरोध किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अधिक दहेज लेने के लिए पढ़ाई करते हैं। यह बयान उन्होंने 30 दिसंबर को रांची में चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान कही थी। अब इस बयान से चिकित्सक समाज काफी नाराज है। ये बातें IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिन्हा ने कही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों से शिकायत की गई। आर्मी बहाली के लिए कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट जरूरी। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली आर्मी भर्ती रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी अस्पताल से COVID-19 बीमारी के जांच कराकर COVID-19 से मुक्त होने का सर्टिफिकेट ले जाना आवश्यक होगा। यह सर्टिफिकेट अस्पताल के निर्धारित फॉर्मेट बनवाना आवश्यक है।
बता दें, झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार यह निर्देश खूंटी जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। झारखंड में 151 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 71, बोकारो 11, चतरा 1, देवघर 6, धनबाद 7, पूर्वी सिंहभूम 20, गढ़वा 1, गुमला 1, हजारीबाग 3, खूंटी 1, कोडरमा 2, लातेहार 1, लोहरदगा 1, पलामू 6, रामगढ़ 15, सरायकेला 3, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत 1034 है, वहीं कुल एक्टिव केस 1624 है। भारत में 18067 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत 149470 है, वहीं भारत में कुल एक्टिव केस 245806 है। विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए 55% अंक जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य में मरंग जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की। इसके अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का चयन कर ब्रिटेन और नाइदर आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। बता दें, योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर डिग्री के लिए स्नातक में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। पलामू में ग्रामीणों ने नक्सली को पत्नी समेत मार डाला। झारखंड के पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कुंडलपुर गांव में शुक्रवार रात एक नक्सली ने आपसी कहासुनी में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर मौके पर ही नक्सली और उसकी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। बता दें, ग्रामीणों ने नक्सली का घर भी फूंक डाला है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। सौरव गांगुली को हार्ट अटैक। सौरव गांगुली की हालत अभी स्थिर है। बता दें, शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के बुडलेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की सतत निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुरुस्त हुई जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को दुरुस्त कर लिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री को रांची उपायुक्त ने जानकारी दी कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा के रख रखाव का कार्य समुचित रूप से पूरा कर लिया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि आगे से किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत प्राप्त न हो, इसका विशेष ध्यान रखे। महिला उग्रवादी लातेहार में विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार थाना पुलिस ने शनिवार को जिला मुख्यालय के चटनाही चौक से उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी वसूलने पहुंची एक महिला उग्रवादी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से लेवी के 24,300 रुपये, 10 मोबाइल फोन, राकेश गांजू उर्फ विराज के 11 पहचान पत्र, जमीन से संबंधित कागजात, बैंक पासबुक आदि बरामद की गई। कैट परीक्षा में झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन। कैट की परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसमें झारखंड के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। विभिन्न संस्थानों ने दावा किया कि रांची के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की है। संस्थानों के अनुसार बी फैक्ट्री के आदित्य ने 99.97 अंक हासिल कर टॉप किया है। राज्य सरकार ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 35 के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की सिफारिश पर राज्य सरकार ने भाकपा माओवादी के 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहित 35 हार्डकोर नक्सली के खिलाफ CRPF टीम पर हमला करने की साजिश रचने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। डॉक्टरों का अपमान भाजपा नहीं करेगी बर्दाश्त, दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने डॉक्टरी पेशा के खिलाफ सरकार के पदाधिकारी द्वारा दिए गए अभद्र बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि सरकार के सोच के अनुरूप सरकारी पदाधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं। डॉक्टरी पेशा किसी स्वार्थ का पेशा नहीं बल्कि सेवा का पेशा है। भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टरी पेशा के खिलाफ बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ऐसे पदाधिकारी पर नियंत्रण रखे। भाजपा ऐसी सभी डॉक्टर के पक्ष में खड़ी है। वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई, देवघर उपायुक्त। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान अधिकारी समन्वय स्थापित कर बेहतर तरीके से कार्यों को पूरा करेंगे। इसमें किसी तरह की कोताही बरतने वाले अधिकारी व कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 2021 स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संभावना से भरा वर्ष होगा। शनिवार को समरणालय सभागार में उपायुक्त अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। रामगढ़ के मस्जिद कॉलोनी में पत्थरबाजी।
रामगढ़ जिले की पीटीपीएस ग्राम पंचायत कोतो के मस्जिद कॉलोनी खटाल में शुक्रवार देर शाम नया साल की खुशी मनाने के दौरान डीजे में गाना बजाने को लेकर हुई विवाद में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। काफी देर तक दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। बता दें, पतरातु एसटीपीओ प्रकाश चंद्र महतो, सीओ निर्भय कुमार, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो, अन्य दर्जनों पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को काबू किया। रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू। मजदूरों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली लोहरदगा रांची पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। बता दें, कोरोना के कारण यह ट्रेन पिछले 10 महीने से बंद थी। इससे सबसे ज्यादा परेशानी वैसे मजदूरों को हो रहा था जो हर दिन लोहरदगा से रांची काम की तलाश में पहुंचते हैं। ट्रेन नहीं चलने से इन मजदूरों को पैदल या अन्य साधन से रांची आना पड़ रहा था। शनिवार को इस ट्रेन को डीआरएम नीरज और रांची सांसद संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रांची स्टेशन से रवाना किया। झारखंड में जेएमएम अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल चुनाव के मूड में रंगने लगा है। बता दें, 28 जनवरी को जेएमएम झारग्राम में बहिष्कृत सभा के जरिए पार्टी के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रही है। 28 जनवरी को जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी सभा करेंगे। जमशेदपुर में 5,000 उपभोक्ताओं के यहाँ लगेगा स्मार्ट मीटर। जमशेदपुर शहर के बड़े बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर जल्द ही लगेगा। बता दें, स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जमशेदपुर सर्किट के विद्युत महाप्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में वैसे बिजली उपभोक्ताओं जिनकी बिजली खपत 5 KV से अधिक होगी उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए स्पेशल राउंड 6 जनवरी से। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में फाइनल राउंड की सीट अलॉटमेंट के तहत बची हुई सीटों की काउंसिल की तिथि जारी कर दी है। इन सीटों के लिए अब स्पेशल राउंड होगा। 3 जनवरी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बता दें, इस आधार पर स्पेशल राउंड के लिए 6 जनवरी को औपबंधिक मेधा सूची और 8 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सरकारी नौकरियों में नए नियुक्ति के लिए उम्र सीमा बढ़ी। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि बढ़ा दी है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई। बता दें, अब अवधि विस्तार के बाद पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 10 साल तक प्रभावी रहेगी। बता दें, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की उम्र सीमा अनारक्षित सामान्य के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 व एससी एसटी के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। गढ़वा के सदर अस्पताल में खुले में बैठा कर लड़की को चढ़ाया सलाइन। गढ़वा जिले के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के अजब गजब तरीके अपनाए जाते हैं। बता दें, इसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाएगा। शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में कुछ ऐसा ही नजारा था। कीटनाशक खाने से बीमार 15 वर्षीय सिल्की कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वह डंडई थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव निवासी लल्लू राव की पुत्री है। चिकित्सक से दिखाने के बाद उसे सलाइन चढ़ाने के लिए सदर अस्पताल के वार्ड से बाहर खुले आसमान के नीचे बैठा दिया गया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन दबाएं, साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।